कैसे उसे फौरी तौर पर रिश्ते का पाबंद बनाएं, लड़के को हाथ में लेने का तरीका। मैं अच्छे से इस बात को जानता हूं कि ये कितना मुश्किल है, क्योंकि जब आप उससे पहली बार मिले थे तो वो वाकई में आप में शामिल हो गया था। वो कहता था कि आप ही उसका सब कुछ हैं, इससे पहले कभी किसी ने उसे इतना प्यार नहीं दिया। और लाजमन उसने भी आपको तवक्कुआत और उम्मीदों से भरकर खुशियां दी होंगी। इससे पहले इतना प्यार आपको कभी किसी ने नहीं दिया होगा, लेकिन अब सूरतयाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है। ऐसा क्यों? आप यकीनन जानना चाहती होंगी कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं और इसका हल क्या है। तो इसकी दो वजूहात हैं। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते ही आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। पहली वजह, तेज गपशप। देखा यह गया है कि ताल्लुकात का वक्त से पहले तेजी के साथ आगे बढ़ना ताल्लुकात खराब होने का सबब बनता है। जब आप पहली बार मिले और बहुत जल्द, शायद दिनों में, हफ्तों में या देखते ही देखते मोहब्बत करने लग गए, लेकिन फिर चंद हफ्तों या चंद महीनों के बाद ताल्लुकात में तब्दीली आने लगी, इसकी असल वजह ताल्लुकात में जल्दबाजी थी। ताल्लुकात सिर्फ मोहब्बत करने का नाम नहीं है। ये ठीक है कि मोहब्बत ताल्लुकात का इब्तदाई स्टेप है, लेकिन ताल्लुकात कायम करने के लिए सिर्फ मोहब्बत हो जाना काफी नहीं। ताल्लुकात कायम करने के लिए मोहब्बत करनी पड़ती है और मोहब्बत करने के लिए एक दूसरे को अच्छे से समझना पड़ता है और एक दूसरे को समझने में वक्त लगता है, और यही हमारा मिशन होना चाहिए। अगर आप किसी से मिले और वो अच्छा लगे तो फौरन मोहब्बत में नहीं पड़ना चाहिए और ना ही ऐसा सोचना भी चाहिए, बल्कि आप दोनों का मकसद सिर्फ दोस्ती और जिंदगी के हर सेकंड से इंजॉय करना होना चाहिए। मोहब्बत करके अपनी जिंदगी को किसी एक के लिए फिक्स नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगी तो शुरू में तो ये सब बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन फिर एक दिन आप कहेंगी कि मैं खुश नहीं हूं। दूसरी वजह, अहद ना करना। दूसरी वजह कि वो ताल्लुकात में अहद क्यों नहीं करते या क्यों तोड़ देते हैं, उनके ख्याल में ये कबलज वक्त है। यानी उसने कह तो दिया, वादा तो कर लिया, लेकिन सच तो ये है कि वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं। और वो ये बात अच्छे से जानता है कि आप क्या चाहते हैं। वो जानता है कि आप उससे वाबस्तगी मांगेंगे। और मैं एक बात यहाँ और भी बता दूं कि ताल्लुकात आगे बढ़ते वक्त अक्सर मर्द हजरात ताल्लुकात के बारे में, शादी के बारे में नहीं सोचते। अगर आप उन पर दबाव डालेंगी तो वो हाँ हाँ करके बात को खत्म कर देंगे। दरअसल मोहब्बत में पड़ने से पहले मर्द हजरात शादी के मामले में बिल्कुल सीरियस नहीं होते और इसका स्टार्ट टाइम पास ही समझ कर करते हैं। उन्हें इस बात का इल्म होता है कि आप कभी भी ताल्लुकात और रिश्ते की बात करेंगी, जब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो घड़ी आ गई है तो वो उस लड़की से भागना या कतराना शुरू कर देते हैं। उन्हें इस बात का डर लगता है कि मामला बिगड़ ना जाए। इस दौरान अगर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि ये ज़्यादा बड़ा मसला नहीं होगा तो वो फिर मेल मिलाप शुरू कर देते हैं। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि मैंने आपको जो हकाइक बताए उन्हें आपको समझने की और इन हकाइक को मानने की ज़रूरत है। इसलिए दोस्ती से ज़्यादा आगे ना बढ़ें, सबसे पहले अपनी फिक्र करना शुरू कर दें। किसी के लिए अपनी ज़िंदगी को मुसीबत में ना डालें। आपने देखा होगा कि कुछ मर्द अच्छे भी होते हैं और निभाते भी हैं, वादा वफा भी करते हैं,
पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ये भी सच है कि मर्द औरत को पाने के लिए हर हद फलांग लेता है, लेकिन इसका बेहतरीन हल ये है कि किसी का पीछा ना करें। ठीक है, उससे दोस्ती करें, उसके साथ अच्छे लम्हात गुजारें, उसके साथ डेट पर भी जाएं और खुश रहें, लेकिन एक दोस्त की हैसियत से। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं सर सलीम इन हालात में आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो इसके लिए आप दोस्ती में बैलेंस रखें और उसको आगे बढ़ने दें। आप सिर्फ उसे टाइम दें, तवज्जो दें। मैं फिर कहूँगा कि दोस्ती से मोहब्बत तक पहुँचने से पहले एक अच्छा वक्त गुजरने दें। इस दौरान अपनी लाइफ पर तवज्जो दें। मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए मुश्किल है, लेकिन इस मसले का हल ही ये है। अगर आप चाहती हैं कि वो आपसे मोहब्बत करे, फिर ताल्लुकात कायम हों और फिर रिश्ता। याद रखें, जल्दबाजी से दिल जल्दी भर जाता है। इसलिए सब्र से, उसके साथ अच्छे सलूक से, उसे वक्त देने से और मजीद वक्त देने से आप अपनी मंजिल पा सकती हैं। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता हमारे जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।